हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सर्वसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। सर्वसंख्या, तो सर्वसंख्या के कुछ फार्मूले होते हैं, उसको हमें याद करना होगा। देखिए, जैसे पहला है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर ते होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy या x माइनस वाई की स्क्वायर, ये होता है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। एक वर्गांतर का फार्मूला होता है जिसको कहते हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं एक ब्रैकेट मैंने कोष्टक में x प्लस y और दूसरे कोष्टक लिखते हैं x माइनस वाई होता है। इसी तरह से और सारे होते हैं, जैसे देखिए होता है कि x प्लस वाई घाते तीन बराबर, ये होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई कोष्टक में x प्लस वाई। और अगर यहाँ पर x माइनस वाई क्यूब है तो इसको लिखेंगे x घाते तीन माइनस वाई घाते तीन माइनस तीन एक्स वाई कोष्टक में x प्लस वाई। इसी तरह से होता है अगर लिखा गया है x क्यूब प्लस वाई क्यूब तो हम इसको लिखते हैं एक कोष्टक में x प्लस वाई और दूसरे कोष्टक में लिखते हैं x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से लिखते हैं कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक कोष्टक में x माइनस वाई और दूसरे कोष्टक में लिखते हैं x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से और होता है, जैसे कि लिखा गया है कि a प्लस बी प्लस सी घाते दो लिखा है तो इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू बी सी, या इसको लिख देंगे आगे और अभी प्लस प्लस टू ए सी। इस तरह से तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं, इन सबको हमें याद रखना चाहिए। थैंक्स।